बनो चला जी, क्या आप सीएम बनने जा रहे हैं? और बाकी आपके घर में लाइट नहीं है? डेफिनेटली बात है। पुलिस कल्चर थाना कल्चर कैसे चेंज करेंगे? बात करते हैं, ये कुछ करते हैं। मुजार सर, ये मुझे ये बताइए कि कोई इंटरनल सेटअप तो नहीं आया क्यों मुजार सर? उधर ही बात होगी ना, ये इस सवाल का जवाब उधर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फातिह अब्बास खान, और हर तरफ जो है यही बात डिस्कस हो रही है कि मुजार साहब जो हैं वो कल सीएम का इंतखाब लड़ेंगे, और चूंकि मेजोरिटी मौजूद है तो मुंतखब भी हो जाएंगे। लेकिन इस पे बेशुमार इल्ज़ामात का सिलसिला भी कल शुरू हो गया मीडिया पर, और बेशुमार बातें भी की गईं। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट भी किया गया, और उन्होंने कहा कि वो हर तरीके से साथ खड़े हैं, बल्कि उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के मामले में वो इस तरीके से डटे कि उस्मान बुज़दार की भरपूर तरीके से हमायत करता हूँ, और उस्मान बुज़दार का फैसला 2 हफ्ते की छानबीन के बाद उन्होंने किया। ये उनकी जानिब से जो ट्वीट में कहा गया, ये सूरत हाल है। अब वो असम्बली जिसमें अपोजिशन बड़ी सख्त है, और वहाँ साद रफीक साहब भी होंगे, सलमान रफीक साहब भी होंगे, डॉक्टर यास्मीन साहिबा भी होंगी, इनके अपने तरीकन साहब के बड़े स्टार खिलाड़ी उधर होंगे, अलीम खान साहब वेल स्पोकन, बड़े अच्छा बोलने में, और उसी असम्बली में हमजा साहब भी होंगे, बाकी लोग भी, परवेज़ इलाही साहब बड़े घाघ सियासतदान, ऊपर से स्पीकर, तो वो कैंडिडेट अब मेरा ख्याल कुछ तकाजे बदले हैं, शायद कुछ दौर बदला है। अब कोई हल्का सा पटाखा भी लाहौर में चल जाए ना, तो 200 लोगों जो हैं वो वज़ीर आला के सामने चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे, और उन्हें शायद टिकरों से भी पता भी ना चला हो, उन्हें पता भी ना हो कि हालात क्या हैं। तो मीडिया लेके चलना, उसे मैनेज करना, फिर सोशल मीडिया का दौर है, ट्वीट्स का दौर है, लोग सारा सारा दिन जो है ये हकीकत की ज़िंदगी छोड़कर, ख्वाबों की ज़िंदगियाँ छोड़कर सोशल मीडिया की ज़िंदगी गुजारते हैं और सारा सारा दिन उसे देते हैं। इन सारे चैलेंजेस के साथ साथ हेल्थ का चैलेंज, आपके पास पुलिस कल्चर का चैलेंज, इतना बड़ा पंजाब, और फिर 33 साल के बाद ये इक्तदार किसी और को सौंपा जाना, तो इस सारी सूरत हाल में खान साहब की सिलेक्शन कितनी दुरुस्त है, या उन्हें ये फैसला आते हुए किसी वक्त में, किसी लम्हे में, या फिर वो जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इंटरिम सेटअप तो नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे, चीमा साहब बहुत शुक्रिया। फैसल मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और हुकूमत की जानिब से भी कुछ, नून लीग की जानिब से भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी हम बात करेंगे। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। चीमा साहब, बुज़दार साहब अच्छी सिलेक्शन है खान साहब कह रहे हैं, और आप भी खान साहब को इंडोर्स करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी आपके मौजूद थे, तो फकत बुज़दार साहब पर मरकज़ निगाह क्यों वही रहे, क्या वजह? देखिए, मैं सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा बुज़दार साहब चूँकि नए आदमी हैं बिल्कुल, मतलब मीडिया या इस लेवल पे आने वाले, सो मतलब इनके वालद साहब तो आलमोस्ट 1985 से MPA या इस तरह की चीज़ें रहे हैं, सरदार हैं उस इलाके के, तौंसा शरीफ, और पिछाद उसे कहते हैं जो जहाँ दरिया पहाड़ों से उतर के पानी को है, सुलेमान से उतर के पानी आता है, उस इलाके को पिछाद कहते हैं, तो पिछाद के इलाके के रहने वाले हैं। तो मैं उस इलाके में चूँकि कोई 90 में कोई 1 साल रहा हूँ, तो ये बलोच कबाइल पे मैंने एक रिसर्च की थी, मैं एक बुक लिखना चाह रहा था बलोच कबाइल पे, तो फिर मेरा तबादला हो गया, तो मैं इधर आ गया। जरदारी साहब भी होंगे बीच में? जी नहीं, जरदारी साहब तो अच्छा। उधर हैं आगे, क्या नाम है, आप बलोच सदर पाकिस्तान रहे, उनको फरामोश तो नहीं करेंगे? अगर देखें बलोच मेन, अगर देखें तो ये आप कह लें कि डेरा गाजी हंटवियन और आप कह लें ये जो बलोचिस्तान है, साथ ही बुगती कबाइल और आगे सारे शुरू रहते हैं, और ये जैकबाबाद का एरिया जो साथ साथ, या नसीराबाद का, ये एक पूरी बेल्ट है जो डी जी हाँ से आलमोस्ट शुरू होती है, ये तौंसा से और कोटद्दू से शुरू होती है, और लैया में भी कुछ हैं, और फिर आगे मुजफ्फरगढ़ से शुरू होती है, ठीक है, तो ये मुजफ्फरगढ़ से शुरू होकर जाती है फिर आगे बलोचिस्तान तक और सिंध के कुछ एरियाज तक। तो मैं आप कह लें कि इस पर एक बुक लिखना चाह रहा था, तो उस वक्त से मेरा तारफ आप आलमोस्ट यह कह रहे हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार जो है, क्या नाम है इनका, फतेह मोहम्मद उस वक्त 90 में MPA थे, उस वक्त से है मेरा तारफ इनके साथ। उस्मान बुज़दार नए आदमी हैं, तो इस लेवल पे नहीं थे कि मुझे उनका पता हो, लिहाजा मैं बहुत अथॉरिटी से बात उनके साथ नहीं कर सकता, उनके बारे में नहीं कर सकता, मैं उनके खानदान के बारे में अथॉरिटी से बात कर सकता हूँ, उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता।
لیکن بہر ایک چیز ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کام کرنا چاہ رہی ہے تحریک انصاف کام کرنا چاہ رہی ہے غیر روایتی غیر روایتی کام آپ کسی روایتی سیاست دان سے کروانا تھوڑا سا مشکل ہے اور اسپیشلی اگر اس کے پاس اس کی بیس پاورفل ہو اگر اس کے پاس اس کو سپورٹ ہو اسمبلی سے کچھ لوگوں کی اسے کروانا تھوڑا مشکل ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویک بیس والا پاور بیس والا بندہ اس سے غیر روایتی کام اداروں کو مضبوط کرانا آپ کہہ لیں پولیس کو اختیارات دیکھیں یہ ریورسل ہونی ہے اختیارات جو اداروں کے اختیارات تھے وہ جا چکے ہیں وزیر اعلیٰ کو ٹھیک ہے اور وزیر اعلیٰ کوئی بھی اس ان اختیارات کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ڈسکریشنری پاور چھوڑنا نہیں چاہ رہا وہ اپنے ہاتھ سے انگلی ہلانے والا جو معاملہ ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا سو اس بات کو ریورس کرنا ایک مشکل کام ہے سو اس کو کسی آپ کے لیے طاقتور آدمی سے یہ اختیارات واپس لینا اتنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں پرویز ہٹک سے بھی یہ اختیارات واپس لیتے ہوئے ٹائم لگا سو میں سمجھتا ہوں یہاں جلدی ہوگا یہ کام اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسپیڈ زیادہ یہ 100 دن کا جو ایجنڈا ہے 100 دن کے ایجنڈے میں اگر تھوڑی سی بھی ریزسٹنس ہو یا لیتولات ہو یا تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرے ایک بندہ طاقتور بندہ ہو اور تھوڑا سلو کرے تو شاید اس سے عثمان بزدار زیادہ بہتر پرفارم کر ٹھیک ہے میر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں چیما صاحب سے دیکھیں ایک تو میں ویسے بات کرنا چاہوں گا ادر دین دس پروگرام چیما صاحب سے جس طرح الیکشن چرایا گیا اس کا مجھے بہت افسوس ہے جیتے ہوئے تھے چیما صاحب انہیں پتا کہ کس طرح انہیں الیکشن ہرایا گیا دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کی سلیکشن کی تو انہوں نے جو کل سٹیٹمنٹ دی جی کہ یہ بڑے انڈر پرولیجڈ ایریا سے ہیں اور یہ انہیں پتا ہے کہ ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے یہ اس طرح کی ساری باتیں اس سے بالکل برعکس صورتحال ہے دراصل یہ بزدار صاحب جو ہیں یہ آپ کو اگر پتا ہو میں نے ابھی سٹارٹ میں آپ نے دیکھا میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے بجلی نہیں ہے جی وہ کہتے نہیں ہے بجلی میرے سامنے بھی ہسٹری پر نظر رکھتے ہیں یہ انگریز کے دور میں جو نو تمندار ڈی جی خان کے ایریا میں تھے مزاری کھوسے اور لغاری وغیرہ ان میں سے ایک یہ بزدار بھی سردار تھے اور یہ آج بھی ان کی جو سرداری نظام کا یہ وہاں پہ سمبل ہیں اپنے علاقے میں ان کا قہر ان کے جو ظلم ہے ان سے لوگوں کو خوف آتا ہے آج بھی وہاں پہ یہ بیڑیاں ڈالتے ہیں لوگوں کو اور جو یہ 30 سال سے یہ ان کے والد اور یہ حکومت میں رہے ہیں مسلسل یہ فنڈز لیتے ہیں 2013 تک اور نہ انہوں نے خود بجلی آنے دی وہاں پہ کہ لوگ ٹی وی دیکھ کے ایجوکیٹ نہ ہوں وہاں پہ ایجوکیشن کو انہوں نے نہیں آنے دیا ہیلتھ کو انہوں نے نہیں آنے دیا بیسک انفراسٹرکچر نہیں آنے دیا کہ لوگ غلام کے غلام رہیں اور اس کے بعد آن دا ٹاپ آف اٹ میڈیا میں سارا کچھ آ گیا کہ نیب کے اوپر ان کے کیسز ہیں اگر یہ ڈیٹیکٹر بڑے شاندار ہیں اگر کوئی گاڑی چوری ہو جائے اس ڈی جی خان کے ایریا میں تو ان کو فون کرے تو وہ برامد کروا دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کے کیس یہ سارا کیا کہہ رہے ہیں سارا کچھ پتا کروا لیں تورو خان تورو خان کون ہے وہ بھی کل سارا میڈیا میں آ جائے گا اور خان صاحب نے جو یہ ڈیٹیکٹیو والی بات آپ کو کل پرسوں سارا میڈیا میں آ جائے گا اور یہ اس کے بعد مرڈر کے کیسز جو ہیں وہ جو بھی جو کیس ان پہ میرا خیال کوئی نہیں نہیں وہ دے کے انہوں نے ختم کر دیا نا جی مرڈر تو ہوا الیکشن ڈے پہ الیکشن جیتے بھی اسی دن 1998 میں جو الیکشن تھا وہ انہوں نے بندے شدے مار کے وہ جیت لیا تو خان صاحب نے جو ہمیں ویژن دیا تھا وہ اس کے بالکل الٹ کہ دا موسٹ کرپٹ پرسن سب سے بڑا جو قاتل ہو اور جو چور اسٹیبلشڈ ہو اس کو آپ نے چیف منسٹر بنا دیا ہے تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس اسمبلی میں یاسمین راشد جیسے یا مسز جمشید اقبال چیما جیسی خواتین اور علیم خان صاحب بیٹھے ہوں گے جگنو محسن صاحبہ ہوں گی جی جگنو محسن صاحبہ جگنو محسن اور اتنے اتنے بڑے جو دانشور ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہوں گے یہ تو جو نیا پاکستان ہے وہ اس کا کوئی اتنا اچھا آغاز ہوتا مجھے تو نظر نہیں آ رہا میڈیا نے ان کا جو سارا کچا چٹا ہے ایک دو دن میں مزید آ جائے گا سامنے تو ابھی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے کیونکہ یہ امید آپ کیوں کرتے ہیں میں یہ چیما صاحب سے پوچھتا ہوں میں چیما صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف میر صاحب واپس آتا ہوں چیما صاحب یہ آپ کیا جواب دیں گے یہ تو کافی زیادہ بات ہے میر صاحب کہہ گئے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آنسٹلی آپ کو پتا ہے میرا کسی حد تک میر صاحب کو پتا ہے آپ کو پتا ہے میں یہ سچ بولتا ہوں یا نہیں بولتا تو سو میں نہ کسی کا غلام ہوں نہ میں کسی کا آپ کہہ لیں کوئی اچھا مجھے آپ کیونکہ نیچر کا پتا ہے تو ابھی 5-6 مہینے پہلے ہی آپ جب سارے لوگوں کے خلاف اور پیناما پیپرز پہ بولا کرتے تھے اور اپنی پارٹی کے خلاف بھی بات کر جاتے تھے میں چیما صاحب آتا ہوں آپ کی طرف میاں مجتبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس منسٹر بھی ہیں میاں صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام میاں صاحب کیا تیاری ہے کل حمزہ صاحب کی انتخاب لڑ رہے ہیں آپ بزدار صاحب کے خلاف کیا تیاری ہے کیا صورتحال ہے اور وہ اسپیکر والے انتخاب کے دن بھی کوئی 15-16 ووٹ تو سارے ادھر ادھر ہوئے ہیں
जी जी वो स्पीकर वाले इलेक्शन वाले दिन हमारे 12 वोट जो थे वो हुए थे, मगर वो फिर हमने उनको स्ट्रेटजी प्लान की और फिर आपने देखा कि 2 घंटे बाद जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन था तो वो 12 के 12 वोट फिर वापस आ गए थे। भेजने की स्ट्रेटजी लगता आपकी थी भैया साहब, ये चेक किया था कि मतलब क्या मतलब सीमा साहब भी हंस रहे हैं, आप खुद भी हंस रहे हैं ये बात बताते हुए। भेजने की स्ट्रेटजी भी आपकी अपनी थी ताकि दूसरों पे इल्जाम लगाया जा सके, अगर स्ट्रेटजी से वापस ले आते हैं तो फिर भेजते भी आप होती होंगे। नहीं, हमारा ख्याल था कि वो नहीं वापस आएंगे होगा। अच्छा। मगर वो जो आदत पड़ी हुई है यहाँ पे, जो लोग आए हैं जिस तरह आए हैं वो मैंडेट चोरी करके सारे वहाँ पे बैठे, तो उनको वोट चोरी करने का बहुत शौक है। आपको लुत्फ की बात बताते हैं मियां साहब, वो जो स्पीकर का इलेक्शन लड़ा वो आपके आपके बंदा था, उसी ने लिए और आपने दिए, हमने तो नहीं लिए आपके वोट और ये हमने वापस कर दिए। स्पीकर का इलेक्शन जो मियां साहब हमने आपके वोट वापस कर दिए थे, वो आपके बंदा था परवेज लाई, उनको 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 वोट चोरी करने का शौक है तो उन्होंने चोरी किए, मगर फिर हमने वापस ले ली ना, चोरी पकड़ ली उनकी, हम वोट ले लिए वापस। जी ठीक बात, ठीक बात। अच्छा मियां साहब, मैं लुत्फ की बात आपको बताऊं, आप अभी फरमा रहे थे मैंडेट चोरी, तो आमिर मीर साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, पीपल्स फैसल मीर साहब सॉरी, वो मिक्स हो जाते हैं जी, मीर 3 स्टार हैं तो क्या करें, सारे स्टार हैं। अच्छा जी, तो जी। फैसल मीर साहब बैठे हैं, तो अभी ये इन्होंने आते ही प्रोग्राम के स्टार्ट में चीमा साहब से कहा कि मैं आपके अफसोस में बराबर का शरीक हूं, आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आप भी मैंडेट चोरी की बात कर रहे हैं, इधर मीर साहब की तरफ से भी मैंडेट चोरी की बात हुई, तो ये देखें ये इसको इस पर क्या रद्दअमल आप देंगे। मैं अब क्या कह सकता हूँ जी, क्या कह सकते हैं, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया वही कहें चोरी हो गया, तो मैं उनको क्या कह सकता हूँ। असल में इन्होंने खुद नहीं ना किया, वो जो इनके पीछे खलाई मखलूक थी उन्होंने मैंडेट चोरी कराया, वो अब इन बेचारों को खुद नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ और किसके साथ क्या हुआ, तो ठीक है ये कह सकते हैं जो भी कह रहे हैं। अच्छा दूसरा मियां साहब, मुझे आपसे बड़ी अहम बात ये पूछनी है कि अब जब बुज़दार साहब कल वज़ीर आला बन जाते हैं बिलफर्ज़, फर्ज कर लेते हैं क्योंकि आपका मुकाबला है, तो मैं आपके सामने ये नहीं कह सकता कि वो बन जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता, फर्ज कर लेते हैं कि वो बन जाते हैं, तो वो तो फिर आपके भी वज़ीर आला होंगे ना, सबके वज़ीर आला होंगे, पूरे पंजाब के वज़ीर आला होंगे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वज़ीर आला होंगे, उनको वज़ीर आला बनाने से पहले इन्होंने उनके ऊपर कमेटियां बना दी है कि जी वो कमेटी चलाएगी पंजाब को, इतना बड़ा सूबा है बेचारे, वो पता नहीं इनको, हम तो सुन रहे थे बड़े वो इमरान खान साहब के बुलंदो बांग दावे थे कि जी बड़ा को मिस्टर क्लीन ढूंढा जा रहा है और इनको अपने कोई 170 लोगों में से कोई क्लीन आदमी नहीं मिला, वो जिसपे इतने केसेस बने हुए हैं, कत्लों के केस, नैब के केस, पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, और उसके ऊपर भी एक कमेटी बना दी गई है जो कमेटी चलाएगी सूबे को, अब ये पहली दफा देखेंगे हम भी कि कमेटियां कैसे सूबे चलाती हैं, अभी कमेटियां भी सूबे चलाती हैं, सूबे चलाना होता है एक चीफ मिनिस्टर होता है और फिर उसके आगे एक टीम होती है, कमेटी सारे काम करने होते हैं, सारा प्रोविंस चलाना होता है, यहाँ पे कमेटी बनेगी, गवर्नर सर्वर होंगे, उसमें स्पीकर परवेज लाई होंगे, उसमें अलीम खान साहब होंगे और उसमें ये बेचारे बुज़दार साहब होंगे जो बेचारे सीनियर मेंबर होंगे और ये बेचारे जो हैं उनके हुक्म के मुताबिक जो है बस एक रबड़ स्टैंप चीफ मिनिस्टर होगा, और मैं यहाँ पे आपको एक पेशेंट को भी कर देता हूँ कि ये सिस्टम नहीं चलेगा और इनको ये चीफ मिनिस्टर चेंज करना पड़ेगा, ये बेशक महीने में करें, 2 महीने में करें, 4 महीने में करें, मैक्सिमम नहीं, तो मियां साहब अगर ये इन्होंने चेंज करने के लिए लगाया हुआ तो फिर तो पहले से ये तय करके बैठे, वो तो चेंज करने के लिए लगाया हुआ तो फिर क्या करेंगे, वो तो चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, वो मैंने कहा नहीं ना कि चेंज करने के लिए लगाया, मैं तो अपनी वो जो असेसमेंट बता रहा हूं, एक पॉलिटिकल वर्कर हूं मैं, वो देखते हुए उन साहब की जो कैपेबिलिटी है उस पर बात कर रहा हूं कि ये साहब नहीं चलेंगे, इनको चेंज करना पड़ेगा, किसी और को लाना पड़ेगा बतौर चीफ मिनिस्टर। अच्छा मैं मियां साहब वापस आता हूं, मैं वापस आपकी तरफ आता हूं, मीर साहब बुज़दार साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें आप दोनों में कंसेंसस है, और वो जो बात हुई कि इलेक्शन चोरी हुआ वो तीनों ही कह रहे हैं कि चोरी हुआ, तो उसमें भी तीनों में कंसेंसस है। अच्छा चीमा साहब, आप मियां साहब की कोई बात का कोई रद्दअमल देना चाहेंगे, वो कहते हैं कि ये चेंज हो जाएगा। पहली बात तो मैं अपना मीर साहब की बात का जवाब दूंगा कि मुझे चूंकि सच्ची बात है नहीं ज़्यादा पता, लेकिन मैं एक बात का मुझे पता है कि ये जो आप कह रहे हैं फतेह महमूद बुज़दार या उस्मान बुज़दार, इनकी ये रेपुटेशन नहीं है जो मीर साहब कह रहे हैं, ये मुझे जरूर पता है कि आप कह रहे हैं मतलब ये रेपुटेशन उनकी नहीं है। अच्छा मियाँ साहब यही कह रहे हैं? अच्छा साहब नहीं, मियाँ साहब ने ये बात नहीं की, मियाँ साहब बात कर रहे हैं कि वो कमजोर आदमी है और उनपे उनके ऊपर लोग होंगे उस तरह। मियाँ साहब क्या आपने राय दी अभी बुज़दार साहब के बारे में? बात करने के बारे में सुन ले, राय दी है
कि ये क्लीन लोग नहीं है, इनके वालिद बुज़दार साहब जो हैं वो हमारे साथ भी रहे हैं, जो फतेह मोहम्मद बुज़दार हैं वो मेरे साथ भी एमपीए रहे हैं इनके वालिद। और फिर ये है कि इनकी ये भी ये कोई नजरियाती भी पीटीआई के लोग नहीं है, ये पहले काफ लीग में थे, फिर ये नून में आए, फिर ये पीटीआई में चले गए, तो इस तरह के लोग तो कोई उनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती पॉलिटिकल वर्कर में और पॉलिटिकल लोगों के बीच में, जो पार्टियां बदलने वाले लोग होते हैं। जी जी मतलब मैं बेसिकली मेरी बात को ही एंडोर्स कर रहे हैं मियां साहब, शरीफ आदमी है, उन्होंने कहा बेसिकली जो बात कर रहे हैं ये बड़ा सॉफ्ट वर्ल्ड है कि फलाना क्लीन नहीं है, ये आप किसी के बारे में कह सकते हैं, बड़ा आसान है पाकिस्तान में, और किसी के बारे में कह सकते हैं। जो बात मीर साहब ने की बड़े बड़े हार्ड किस्म के उन पर इल्जाम हैं, ठीक है, ये रेपुटेशन भरल उनकी नहीं है, ये मैं इतना जरूर जानता हूँ। बाकी ये जो बात है आप कह लें कि एफ आई आरों की या नैब की जो बातें थी वो भी ज़्यादातर गलत साबित हो रही हैं, उस तरह मतलब चीज़ सामने नहीं आई। अच्छा फिर ये जो है कि फलाने की माँ पे कत्ल हुए, ये कबायली, ये चूँकि मैं पहले भी बात कर रहा था, मैं कबायली सिस्टम को काफ़ी अंडरस्टैंड करता हूँ, मैंने पूरी रिसर्च की इस पर, मैंने लिखा भी मैंने इस पर, तो इसमें ये बड़ी कॉमन सी बात है कि आपका कबीला बुज़दार है, साथ लगारी है, एक तरफ खोसे हैं, एक तरफ मतलब आपका जवानी है, दृश्यक दूर हैं इनसे, एक तरफ इनके आप कह लें ये हैं खेतरान हैं, इनके एक साइड पर खेतरान है, दूसरी साइड पर इनके लगारी हैं, तीसरी साइड पर इनके खोसे हैं, और अगर पीछे चले जाएँ तो पीछे की साइड पर फिर कुछ लगारी हैं और बूटी भी हैं, ठीक है, ये चार साइडें अगर देखें ना, पहाड़ के कोहे सुलेमान की तरफ और कबीला है, जो नहरी इलाका है उस तरफ खेतरान है, अगर डीजी हाँ की तरफ जाएं तो उस तरफ खोसे हैं, ठीक, सो इसके दरमियान में ये कबीला है और काफ़ी बड़ा एरिया इनका। सो इस तरह के कबीलों में जब दो खेतरान के साथ बुज़दार की लड़ाई हो जाए तो सरदार पर पर्चा होता है जी, इसके ईमा पे किया, वो कोई भी सरदार हो, इसी तरह आप कह लें कि खोसों की और लगारियों की हो जाए तो सरदार पर जाता है जी, इसने इनके ईमा पे किया। सो ये बड़ी कॉमन सी बात है वहाँ पर, और ये दियत वगैरह ये वो सारी तो मैं समझता हूँ जितनी बातें हो रही हैं साबित नहीं हो रही, और अभी तक ही मैं समझता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें फिनिश हो गई हैं। सो जो बेसिकली एक चीज़ गढ़ने की कोशिश की गई या आपके लिए जैसे बबल करने की कोशिश की, वो मेरा हाल एक्चुअल नहीं है ऐसा। बाकी रात मैं समझता हूँ मुझे बड़ी बात लगती है, जो अहम लगती है वो ये है कि मीडिया फेस नहीं है, मीडिया में नया आदमी था, नया आदमी लोगों के लिए सरप्राइज बहुत बड़ा है, उस तरह हजम नहीं हो पा रहा कि ये। बाकी जो बात मुजतबा साहब कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो 3-4 पार्टियों में रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बात ठीक है, आप कह लें कि जैसे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म उनका पीटीआई के साथ वो चीज़ नहीं है, नजरियाती कारकुन पीटीआई के उस तरह की नहीं है जी। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना आप कह रहे हैं कि बहुत नीट एंड क्लीन ना होना, ये बात भी पाकिस्तान बड़ी कॉमन है, और दूसरी जो उन्होंने कहा पोलिटिकल एफिलिएशन ये हो सकते आप कह रहे समझ सकते हैं, बाकी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली बात मुझे नहीं समझ आ रही, नहीं है बिल्कुल सही जी मीर साहब, वो कहते क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली बात नहीं सही, इसमें बाकी बातें ठीक है, बाकी वो मान रहे हैं बाकी सबसे बड़ी बात तो ये है चीमा साहब आप भी जानते हैं कि लेकिन मैं फिर दोबारा इसरार कर रहा हूँ कि जो आप कहें इस तरह के बंदे से आप जो गैर रवायती एजेंडा है वो ज्यादा तेजी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं पावर बेस ना। जब आप 30 साल 1985 से लेके 2013 तक वहाँ के स्याह सफेद के मालिक थे, आपको एजुकेशन का बजट मिलता रहा आपने वो वहाँ पे नहीं लगने दिया, आपको हेल्थ का मिलता वो नहीं लगने दिया, बिजली आपने सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है किसी बैकवर्ड एरिया में वो में है। तो फिर आप इमरान खान साहब की बात की कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सबसे बैकवर्ड एरिया है, आप इमरान खान साहब की कंट्राडिक्शन तो ना कर सकता हूँ ना, खान साहब कह रहे हैं मुझे इन्फॉर्मेशन है भाई मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, देखें ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता, मैं कह रहा हूँ कि जो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है वो तौसा में है, और पाकिस्तान पंजाब में जो सबसे ज्यादा जिस तहसील के टीचर है नंबर वन टीचर, फिर तो डीजी खान बड़ा एडवांस हुआ ना, वो बैकवर्ड तो मैं पूरे डीजी खान की बात नहीं कर रहा, मैं तौसा की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वहाँ पे शायर ज्यादा है, ग्रेजुएट ज्यादा है, टीचर ज्यादा है, वहाँ पे मशहूर है कि बिजली इसलिए नहीं आने दे रहे कि सरदारी निजाम को वो टच ना कर सके। जहाँ तक आप कह रहे थे इरफान साहब के क्यों हजम नहीं हो रहा, ये चीमा साहब की बात भी थी कि अच्छे सामने को अच्छा चेहरा क्यों नहीं आया, इन्होंने खुद ही बात की कि परवेज खटक जो है उसको हैंडल करना मुश्किल हुआ हुआ था, आज अगर खान साहब और रवायती और गैर रवायती बात कर जहांगीर तरीन और खान साहब जो हैं वो बैठ के पीछे खुद रूल करना चाह रहे हैं केपीके को और पंजाब को, वहां पे महमूद खान साहब भी बिल्कुल बुज़दार साहब जैसे आदमी हैं, अगर यहां पे कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसका पॉलिटिकल क्लाउट हो, अगर फवाद हुसैन या चौधरी फवाद हुसैन या अलीम खान या यास्मीन राशिद या
मुसर्रत इकबाल चीमा जैसे लोग अगर आ जाएंगे तो उनका एक अपना पॉलिटिकल क्लाउट होगा और उनको वही चीजें फेस करनी पड़ेंगी जिसमें प्रवेश खटक के साथ फेस करनी पड़ती थी, या अपना वो सारी बातें नहीं मानेंगे और ये बाद में जिस वक्त इन्हें तब्दील करना होगा इसको बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं बुज़दार साहब को, अगर फवाद चौधरी को या अलीम खान को यहाँ पे बिठा देंगे तो उसको तो आप तब्दील नहीं कर सकते। ठीक बात, मियां साहब मुझे सेफ प्ले किया है। मैं आता हूँ वापस मीर साहब आपकी तरफ। अच्छा मियां मुजतबा साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अपोजिशन चूंकि काफी जो है वो स्ट्रेंथ में अच्छी है, बेहतर नंबर में भी बेहतर है और बड़ी तल्ख अपोजिशन करनी है आप लोगों ने तय किए बैठे हैं, जिस तरह कौमी असम्बली में भी की गई और खान साहब उसके बाद जो है उनकी तकरीर भी आपने सुनी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बुज़दार साहब बींग अ सीएम अपोजिशन के लिए आप किस नज़र से उन्हें देखेंगे और नून के हलकों में बुज़दार साहब को एज अ सीएम लेकर क्या चहमगोइयां हो रही हैं इस वक्त? बुज़दार साहब एक बड़े वीक सीएम होंगे और उनसे मेरा ख्याल है कि ना हुकूमती अमूर चलाए जाएंगे और ना वो असेंबली के अमूर अच्छे तरीके से चला सकेंगे, जो असेंबली में भी कायदे अवान का एक रोल होता है। उस हवाले से जो है हमारा तो यही ख्याल है कि हमें तो खुद जो इतना शोर सुन रहे थे कि पता नहीं क्या इतनी पूरे इंटरव्यूज हो रहे हैं वहाँ पे लोगों के बनी गाला में बुला बुला के खान साहब कर रहे थे और सब कुछ हो रहा था, तो हमारा ख्याल था कोई बड़ा कोई वो निकालेंगे फिर शख्सियत ऐसी जिसको ये चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाएंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बेंच मार्क्स यहाँ पे पंजाब में तामीर और तरक्की के और जो उन्होंने पंजाब के लोगों की जिस तरह खिदमत की है और पंजाब में जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट हर सेक्टर में करवाई है, उसके बाद किसी के लिए भी ये तो बेचारे बहुत वीक से शख्स हैं जिनको ये चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, मगर ये अगर किसी बड़े अपने मैं समझता हूँ कि सीजनड किस्म के या कोई इन पास पुराने लोग हैं उनमें से भी किसी को लेके आते तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल थी कि वो स्पेस से और उस स्पीड से और उस मियार से यहाँ पे। अच्छा मियाँ साहब मुझे बड़ी अहम बात आपसे पूछनी है मियाँ साहब, वो बात ये है कि अगर आपने प्रॉपर अपना होमवर्क किया होता ना और आजाद उम्मीदवारों वाला होमवर्क भी किया होता और चार्टर तैयारी भी आपके हवा में उड़े होते और आप क्लियर होते कि आपने करना क्या है तो कल का दिन बड़ा अहम साबित हो सकता था, क्योंकि कैंडिडेट बड़ा मैटर करता है तो कुछ परिंदे दूसरों की मंडेरों से उड़कर आपकी मंडेर पर भी बैठ सकते थे। अब सूरत यह है कि आप देख रहे हैं कि कुछ परिंदे जो है वो उसी तरह ही वो स्पीकर वाला मामला होगा या कुछ परिंदे वाकई आपकी मंडेर पे एक दो आके बैठेंगे? कैंडिडेट बड़ा मैटर करता है, तहरीक इंसाफ की अपनी सफों के अंदर बहुत इसको लेकर बुज़दार साहब को लेकर हालात कुछ ठीक नहीं है, कुछ बेहतर नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है और उसमें मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारा जो है एक तो हमारे अपने वोट इंशाल्लाह ताला पूरे होंगे और उसमें चंद जो आजाद उम्मीदवार हैं वो मैं उनसे है उन्होंने खुद रابطہ किया है हमजा साहब से और वो उनको वोट देना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और दूसरी चीज ये है जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे जहाज नहीं उड़े और हमारे पास वो। अच्छा मियां साहब मैं वापस आता हूँ, मैं ना ब्रेक एक लेनी है छोटी सी, आप हमारे साथ रहिए, मुझे वापिस आते हैं और ये बात आप जो चार्टर तैयारी और जहाज वाली बात है ये ब्रेक के बाद आपसे लाजमी पूछते हैं, शॉर्ट ब्रेक जी हमारे साथ।